हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल ऑफ टीम सोविन। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम प्रीव्यू करने वाला है श्रीलंका वुमेंस वर्सेस इंडिया वुमेंस का मैच, जो कि फर्स्ट T20 इंटरनेशनल खेला जाने वाला है। क्या कुछ दोनों टीम से इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं, लाइनअप सिनेरियो, उसके बारे में हम बात और डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। इन डेप्थ एनालिसिस रहेगा, बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना। अगर आपको स्किप कर देते हो सकता है कि आप जो एकदम इंपॉर्टेंट और मेन पॉइंट्स हो वो भी आप स्किप कर जाओ और ये मैच खेल बैठो। अगर आप ऐसा करते हो और आपके जो मेन पॉइंट्स वो कवर नहीं हो पाते, सो आपका लॉस होगा, इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। सो ज़रूर एंड तक पूरा देखना है। अगर आप पूरा देखते हो, खुद के भी कुछ आप टीम्स बना सकते हो, चाहे वो GL हो, SL हो या कोई भी टीम आप खुद की बना सकते हो। सो हर प्लेयर के बारे में बात करेंगे, फिलहाल हम लोग इस मैच के बारे में बात कर लें। सो ये मैच श्रीलंका वुमेंस वर्सेस इंडिया वुमेंस का मैच है और फर्स्ट इंटरनेशनल मैच है। श्रीलंका के घर पे ये मैच खेला जाएगा एंड वेन्यू रहेगा यहाँ पर रनगिरी दम्बुला इंटरनेशनल स्टेडियम दम्बुला में मैच। सो बहुत ज़्यादा बेहतरीन ये स्टेडियम है, लेकिन ये जो मैच है दोपहर 2:30 बजे इंडियन स्टैंड टाइम से खेला जाने वाला है, जो कि खेला जाएगा 23 जून, जो कि आज है। सो प्लेयर्स तो बहुत ज़्यादा रेडी रहेंगे, लेकिन T20 के बावजूद ये दोपहर का मैच है। इसके भी कुछ फाइनेंशियल कंडीशंस की वजह से श्रीलंकन वुमेंस या श्रीलंकन बोर्ड है ये स्टेप उठा रही है कि लाइट्स नहीं लगानी पड़ेगी। सो उस हिसाब से आफ्टरनून में मैच इन्होंने रखा है। सो अगर हम देखें पिच रिपोर्ट के बारे में, तो जैसे कि आप देख सकते हो, द मैच विल बी प्लेड एट रनगिरी दम्बुला इंटरनेशनल स्टेडियम। दिस विल नॉट बी एन ईजी पिच फॉर बैटिंग एंड वी एक्सपेक्ट टू सी अ स्पिनिंग विकेट इन दिस ग्राउंड। तो स्पिनर्स को बहुत ज़्यादा मदद हमें देखने को मिल सकता है। प्लस गाइज, जैसे कि मैंने आपको बताया दोपहर का मैच है, सो ऑफकोर्स दोपहर के मैच में तो स्पिनर्स अंदर आते ही आते हैं गेम में। और अगर ऐसा होगा तो दीप्ति शर्मा जैसे जो प्लेयर्स हैं वो बहुत ज़्यादा घातक हो गए। और वो साइड से अगर हम देखें तो आई गेस कावेरी कैन बी द गर्ल टू वॉच आउट फॉर। सो देखते हैं आगे कैसे क्या स्टार्ट इनके बारे में भी बताते हैं। सो पहले बात कर लेते हैं प्रोबेबल 11 के बारे में। सो अगर हम श्रीलंकन वुमेन से बात करें, तो इनकी जो ओपनिंग पर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। हसिनी परेरा और शमेरा अट्टापट्टू, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंसी इन्होंने दिखाई है अभी तक, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है इन दोनों ही प्लेयर्स को। सो इनके ऊपर बहुत ज़्यादा पर जिम्मेदारी रहेगी। ओशिडा रणा सिंह हो सकता है हमें वन डाउन पर बल्लेबाजी करते हुए नजर आए, इनका जो पोजीशन अप एंड डाउन होता रहता है। नीलाक्षी डी सिल्वा उनके बाद आएंगे, देन आएंगे हर्षिता माधवी, ये भी एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है। अमा कंचना उनके बाद आएगी, देन आएगी कविशा डिलारी, अनुष्का संजीवनी, सचिनी निसंसाला, सुगंधिका कुमारी और युदेश का प्रबोधानी, ये कुछ इनकी 11 रहने वाली है। टीम में चेंजेस की पॉसिबिलिटीज़ अच्छी खासी नज़र आती है, क्योंकि फाइनल मैनेजमेंट फाइनल टीम का जो ये रहेगा डिसीजन वो मैनेजमेंट और कैप्टन लेने वाले हैं। सो वुमेंस के टीम से बात करें इंडिया के, तो स्मृति मंदाना और शेफाली वर्मा हमें ओपन करते नजर आएंगे, दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाले हैं। यष्टिका भाटिया उनके बाद आएंगी, देन आएगी जमिया रॉड्रिग्यूज। इनका जो अभी डोमेस्टिक सीज़न रहा था बहुत ज़्यादा तगड़ा रहा था, उसके वजह से इनकी वापसी हुई है, और एल्स इन्हें तो यहाँ पर बाहर रख दिया गया था। हरमनप्रीत कौर उनके बाद आएंगे, देन आएंगे दीप्ति शर्मा, पूनम यादव उनके बाद खेलते हुए नजर आएंगे, ऋचा घोष, पूजा वस्त्राकर, मेघना सिंह और राजेश्वरी गायकवाड़, ये कुछ इनकी 11 रह सकती है। टीम में ऑफकोर्स चेंजेस जैसे मैंने आपको बताया। आगे बात करें तो प्लेयर्स जैसे इन्फॉर्मेशन के बारे में जान लेते हैं। सो इनके बारे में बात करूँ, हर प्लेयर के बारे में इन डेप्थ एनालिसिस स्टार्ट करूँ, उसके पहले बता दूँ, अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है। हर मैच की फाइनल टीम हम लोग वहाँ पर कवर कर रहे हैं, चाहे वो क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, बास्केटबॉल या कबड्डी हो, ऑल स्पोर्ट्स लगभग हम कवर कर रहे हैं बिल्कुल ही फ्री में। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जल्दी जाके ज्वाइन हो जाइए, वीडियो को पॉज करके अभी जाइए। सो श्रीलंकन वुमेन से पहले बात करें तो हसिनी परेरा जो कि राइट हैंडेड बैट्समैन है, राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर है, ओवरऑल 43 मैचेस इन्होंने खेले, 443 रन स्कोर किए हैं, 75 का स्ट्राइक रेट और 13 का औसत है, हेड टू हेड में 5 मैचेस में 70 रन है, 17 का औसत और 88 का स्ट्राइक रेट है। वेन्यू में कुछ नहीं है, फर्स्ट इनिंग में अगर आप देखोगे तो 24 इनिंग में 319 रन, 82 का इनका स्ट्राइक रेट और 16 विकेट से 16 का औसत है। सेकेंड इनिंग में 19 इनिंग में 130 रन है, 10 का औसत और 87 का स्ट्राइक रेट है। सो एज कम्पेयर्ड फर्स्ट इनिंग में ज़्यादा अच्छी बल्लेबाजी करती है हसिनी परेरा, अगर सेकेंड में आपको बल्लेबाजी करते हुए नजर आए तो शी कैन बी अ प्लेयर टू ड्रॉप आउट फॉर। शबीरा अट्टापट्टू इम्पॉर्टेंट प्लेयर, वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर, अगर आप देखोगे तो ओवरऑल 152 मैचेस खेले, माफ़ कीजिएगा, 2943 रन स्कोर के, 21 का औसत है,
102 का स्ट्राइक रेट और 45 विकेट से इनके नाम। हेड टू हेड में 17 मैचेस में 350 रन, 21 का औसत और 7 विकेट से। सो हेड टू हेड में ठीक ठाक परफॉर्मेंस दे रही है ये प्लेयर, हो सकती है आपके लिए कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी मटेरियल बन जाए। सो फर्स्ट इनिंग में अगर आप देखोगे तो 82 इनिंग्स में 1765 रन से, 23 का औसत और 27 विकेट से इनके नाम। सेकेंड इनिंग में देखोगे तो 70 इनिंग में 1178 रन से, 60 का औसत और 82 का इनका स्ट्राइक रेट है। सो वही अगर आप देखोगे आगे ओशिडा रना सिंगे, जो कि इम्पॉर्टेंट प्लेयर तो ज़रूर है, विकेट लेने की काबिलियत इनमें ज़रूर हमें नज़र आती है। लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है और राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर है। 46 मैचेस में 224 रन अभी तक स्कोर किए हैं, 67 का स्ट्राइक रेट, 34 विकेट्स और 6.5 का इनका इकोनॉमी रेट रहता है। हेड टू हेड में देखोगे तो 9 मैचेस में 7 विकेट्स, 54 का रन है, 8 की इकोनॉमी रेट है। हेड टू विनिंग में देखोगे तो कुछ नहीं खेले इन्होंने, फर्स्ट इनिंग में 24 इनिंग में 109 रन है, 14 विकेट्स है, 6.28 की इकोनॉमी रेट भी है। सेकेंड इनिंग में 22 इनिंग में 115 रन, 20 का विकेट है और 6.8 की इकोनॉमी रेट है। सो प्लेयर अच्छी तगड़ी है सेकेंड इनिंग में स्पेशली, खास करके ज़्यादा विकेट्स निकालती है और अच्छा परफॉर्मेंस देती है ये। आगे बात करें नीलाक्षी डी सिल्वा, जो कि राइट हैंडेड बैट्समैन है, राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर है, इंपॉर्टेंट प्लेयर ये रहने वाली है क्योंकि 44 मैच में 355 रन बना चुके हैं, 98 का स्ट्राइक रेट और 11 विकेट से। कभी कभार बॉलिंग करते हैं, नॉट ऑलवेज। हेड टू हेड में 7 मैचेस में 75 रन से, 112 विकेट का स्ट्राइक रेट और 2 विकेट से। विनिंग में कुछ नहीं है, फर्स्ट इनिंग में देखोगे तो 26 इनिंग में 276 रन से, 15 का औसत, 7 विकेट है। सेकंड इनिंग में 18 इनिंग में 79 रन, 8 का औसत और 42 विकेट्स है। सो इम्पॉर्टेंट प्लेयर है, 42 का स्ट्राइक रेट है आई गेस, नॉट विकेट्स। सो ये कुछ देखने मिल रहा है। आगे बात करें हर्षिता माधवी, जो कि लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, ये भी एक अच्छी खासी प्लेयर है। ओवरऑल 21 मैचेस में 413 रन है, 30 का औसत और 113 का स्ट्राइक रेट है। प्लेयर बहुत ज़्यादा तगड़ी है, आप इन्हें आपकी टीम में ज़रूर रख सकते हो। हेड टू हेड में 1 मैच में 12 रन है, विनिंग में कुछ नहीं है, फर्स्ट इनिंग में 14 इनिंग में 337 रन, 34 का औसत दे रही है, बहुत ज़्यादा तगड़ा आएगा। इस पूरे श्रीलंका वुमेन की टीम में इतना औसत कोई नहीं दे रही होगी। सो प्लेयर बहुत ज़्यादा अच्छी है, फर्स्ट इनिंग में खास करके बल्लेबाजी करते हैं तो टीम में रख लीजिएगा। आगे बात करें सेकेंड इनिंग में तो 7 इनिंग में 76 रन और 19 का औसत है। आमा कंचना का अगर हम बात करें तो 34 मैचेस इन्होंने खेले अभी तक, 152 रन स्कोर किए हैं, 7 का औसत, 12 विकेट्स। प्लेयर अभी तक कुछ अच्छा कर नहीं पाई है और आप इन्हें जीएल में एक ट्राई ज़रूर दे सकते हो। हेड टू हेड वेनी में कुछ नहीं है, फर्स्ट इनिंग में 21 मैचेस में 5 विकेट और 72 रन है, सेकेंड इनिंग में 13 मैचेस में 7 इनिंग 7 विकेट और 80 रन है, माफ़ कीजिएगा। कविशा दिलारी की अनुवाद किया जाए तो राइट हैंडेड बैट्समैन है, राइट आर्म ऑफ्रेक बॉलर है, ओवरऑल 17 मैचेस में 82 रन, 6 विकेट। हेड टू हेड में 5 मैचेस में 46 रन, 1 विकेट है। वेनी में कुछ नहीं है, फर्स्ट इनिंग में अगर आप देखोगे तो 10 इनिंग में 41 रन है, 2 विकेट है, 5.22 की इकोनॉमी रेट है। सेकंड इनिंग में देखोगे तो 7 इनिंग में 31 रन है, 4 विकेट और 6.5 की इकोनॉमी रेट है। प्लेयर बहुत ज़्यादा अच्छी है। रिसेंटली इनका जो यहाँ पर मुकाबला हो रहा था, आई गेस कोई कंट्री के साथ हो रहा था, ऑस्ट्रेलिया आई गेस, नॉट ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका आई गेस, उनके साथ बहुत ज़्यादा अच्छा तगड़ा परफॉर्मेंस ये लोग दे रहे थे। अनुष्का संजीवनी की अगर बात करें तो ओवरऑल 30 मैचेस में 360 रन है, 16 का औसत है। हेड टू हेड में 6 मैचेस में 5 मैचेस में 42 रन, 81 का स्ट्राइक रेट, 11 का औसत है। विनिंग में कुछ नहीं है, फर्स्ट इनिंग में 18 का औसत है, सेकंड इनिंग में 13 का औसत है। सचिनी की अगर बात करें निशन साला, तो 8 मैचेस में 8 विकेट है। हेड टू हेड और विनिंग में अभी तक कुछ नहीं खेले, लेकिन फर्स्ट मैच में बॉलिंग कर तक 7 विकेट अभी तक चटका, जो कि बहुत तगड़ा है इनका ये रिकॉर्ड। सेकेंड इनिंग में खास करके ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए, सिर्फ 1 विकेट ले पाई है। सो प्लेयर अच्छी है, फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग करती है तो मस्ट पिक प्लेयर बन सकती है। सुगंधिका कुमारी लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, लेफ्ट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर, ओवरऑल 40 मैच में 30 विकेट है। हेड टू हेड में 8 मैच में 5, विनिंग में कुछ है, फर्स्ट इनिंग में 23 इनिंग में 13 विकेट, सेकंड इनिंग में 17 इनिंग में 17 विकेट। उद्देश्य का प्रबोधानी की अनुमात किया जाए तो ओवरऑल 77 मैच में 115 रन है, 55 विकेट्स है। हेड टू हेड में 16 मैचेस में 15 विकेट है, विनिंग में कुछ नहीं है, फर्स्ट इनिंग में 27 विकेट, सेकंड इनिंग में 28 विकेट्स। सो गाइस ऐसा कुछ देखने मिल रहा है हमें फ्रॉम श्रीलंकन टीम एंड साइड। फिलहाल बात कर लेते हैं इंडियन टीम के बारे में। सो अगर हम इंडियन वुमेंस के बारे में बात करें तो स्मृति मंधाना हम सबको पता है कितनी बड़ी प्लेयर है। सो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो राइट हैंडेड बैट्समैन, राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर है, ओवरऑल 158 मैचेस में 3832 रन है, 129 का स्ट्राइक रेट और 28 का औसत है। हेड टू हेड में 13 मैच में 154 रन है, 14 का औसत और 98 का स्ट्राइक रेट है। विनिंग में कुछ नहीं है, फर्स्ट इनिंग में 78 इनिंग्स में 1921 रन है, 26 का औसत और 129 का स्ट्राइक रेट है। सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करते हैं, बहुत तगड़ा परफॉर्मेंस रहता है इनका अक्सर।
77 इनिंग में 1911 रन है, 30 का औसत और 128 का स्ट्राइक रेट है। प्लेयर अच्छे इंपॉर्टेंट है। शेफाली वर्मा की अगर बात करें जो कि राइट हैंडेड बैट्समैन है, राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर है, ओवरऑल 58 मैचेस में 1151 रन है, 132 का स्ट्राइक रेट और 21 का औसत है। हेड टू हेड में एक मैच में अभी तक 47 रन बना, प्लेयर अच्छी खेली है इस मैच में। वेनी में कुछ नहीं है, फर्स्ट इनिंग में 33, इनिंग में 607 रन है, 20 का औसत, 127 का स्ट्राइक रेट। सेकंड इनिंग में 25, इनिंग में 544 रन है, 24 का औसत और 138 का स्ट्राइक रेट है। वही अगर मैं बात करूँ यष्टिका भाटिया के बारे में जो कि लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, 9 मैचेस में 18 का औसत और 145 का रन बना है। हेड टू हेड वेनी में कुछ नहीं खेली है ये, वो ये देखोगे फर्स्ट इनिंग में तो 5 इनिंग में 25 का औसत 99 रन, सेकेंड इनिंग में 4 इनिंग में 11 का औसत और 46 रन। जेमिया रोड्रिगेज की अगर बात करें तो प्लेयर बहुत ज़्यादा तगड़ी है, मैंने यहाँ पर ओवरऑल फिलहाल नहीं लिखा है क्योंकि इनका कन्फ्यूजन था T20 और डोमेस्टिक और T20 इंटरनेशनल में, तो हालांकि इनके कन्फ्यूजन की वजह से मेरे को सब में ही थोड़ी सी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गया था। फर्स्ट इनिंग में अगर आप देखोगे तो 46 इनिंग में 1237 रन, 33 का औसत देती है, सेकेंड इनिंग में 39 इनिंग में 970 रन से 33 का औसत यहाँ पर देते हैं सेकंड इनिंग में। सो अगर आपको लगता है फर्स्ट राउंड पे आएगी तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर ही होगा, आई रिपीट बहुत ज़्यादा, बहुत कम लोगों का ध्यान है इन पर, प्लेयर बहुत ज़्यादा अच्छी है। हरमनप्रीत कौर के बारे में बात करें जो कि राइट हैंडेड बैट्समैन है, राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर है, ओवरऑल भी 200 मैचेस में 4268 रन है, माफ़ कीजिएगा, 31 का औसत, 111 का स्ट्राइक रेट और 57 विकेट्स है इनके नाम। हेड टू हेड में 16 मैचेस में 233 रन है, 23 का औसत है, 113 का स्ट्राइक रेट और 5 विकेट्स है। विनिंग में कुछ नहीं है, फर्स्ट इनिंग में 102 मैचेस में 2525 रन है, 30 का औसत, 118 का स्ट्राइक रेट और 23 विकेट्स है। सेकंड इनिंग में 96 मैचेस में 1743 रन है, 33 का औसत, 101 का स्ट्राइक रेट और 34 विकेट्स है। दीप्ति शर्मा की अगर बात करें जो कि लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, लेफ्ट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर है, इनका भी पोजीशन कुछ फिक्स नहीं रहता है, कभी टीम इन्हें वन डाउन पे खिला देती है, कभी टीम इन्हें बहुत लोअर मिडल ऑर्डर में खिला देती है, सो उसकी वजह से हमें इनके ऊपर अंदाजा लगाना थोड़ा सा मुश्किल जरूर होता है। ओवरऑल 96 मैचेस में 981 रन है, 100 का स्ट्राइक रेट है, 24 का औसत और 99 विकेट्स है। हेड टू हेड में 9 मैच में 8 विकेट है। वेनी में कुछ है, फर्स्ट इनिंग में 42 इनिंग्स में 453 रन, 20 का औसत, 48 विकेट्स, सेकंड इनिंग में है 52 इनिंग में 528 रन, 31 का औसत और 48 विकेट्स, प्लेयर बहुत ज़्यादा तगड़ी है। पूनम यादव की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर और विकेट टेकिंग ऑप्शन है, ओवरऑल 94 मैचेस में 117 विकेट्स है, हेड टू हेड में 12 मैचेस में 17 विकेट्स है। वेनी में कुछ नहीं है, फर्स्ट इनिंग में 74 विकेट्स, सेकंड इनिंग में 41 विकेट्स, प्लेयर बहुत अच्छी, इकोनॉमी रेट भी बहुत ज़्यादा तगड़ा है। ऋचा घोष की अगर बात करें तो 30 मैच में 369 रन, 16 का औसत, हेड टू हेड वेनी में कुछ नहीं, फर्स्ट इनिंग में 17 इनिंग में 224 रन, 15 का औसत, सेकंड इनिंग में 13 इनिंग में 145 रन, 18 का औसत। पूजा वस्त्राकर जो कि बल्लेबाजी बहुत ज़्यादा अच्छी जान लेती है, यहाँ पर नीचे इनका मेंशन है लेकिन ऊपर बल्लेबाजी करने ज़रूर आएंगी, 27 मैच में 159 रन है, 19 विकेट्स है, हेड टू हेड वेनी में कुछ नहीं है, फर्स्ट इनिंग में 9 विकेट, सेकंड इनिंग में 10 विकेट। मेघना सिंह राइट हैंडेड बैट्समैन, राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर, ओवरऑल 1 मैच में 1 विकेट, हेड टू हेड वेनी में कुछ नहीं, फर्स्ट इनिंग में भी कुछ नहीं, सेकंड इनिंग में 1 विकेट। राजेश्वरी गायकवाड़ विकेट टेकर बॉलर, 35 मैच में 45 विकेट्स, स्लो लेफ्ट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर, बहुत तगड़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाली है। सो गाइस ये कुछ थी दोनों टीम से प्लेयर सर्च एंड इन्फॉर्मेशन, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया अगर आपने अब तक एक लाइक कर दिया होगा, नहीं क्या तो अभी कर दीजिए जिससे हमको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलने वाला है। फाइनल टीम ऐसे मिलेगा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, हर मैच की टीम हम लोग वहाँ पर ही कवर करते हैं, देर किस बात की करो, जल्दी जाके जुड़ जाइए। बात कर लेते हैं ड्रीम इलेवन टीम के बारे में। सो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो फिलहाल और टेम्प्रेरी के लिए कुछ ऐसे हमारी टीम बने, विकेट कीपिंग सेक्शन से मैंने लिया यष्टिका भाटिया को, बैटिंग सेक्शन से लिया स्मृति मंदाना, जेमिया रेड्रिग्यूस और शेफाली वर्मा को, ऑलराउंडर सेक्शन से मैंने पिक किया हुआ है शमिका अट्टापट्टू को, डी शर्मा को पिक किया है, दीप्ति शर्मा को, पूजा वस्त्राकर और दिलारी को लिया हुआ है, बॉलिंग सेक्शन से यू प्रभुधानी, राजेश्वरी गायकवाड़ और ओ रणा सिंघे को लिया हुआ है। कैप्टनसी देख सकते हो फिलहाल और टेम्प्रेरी के लिए दी मैंने रोड्रिगेज, जो कि रिस्की भी है, पता नहीं खेलेगी नहीं खेलेगी लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली खेलने के चांसेस है, वन डाउन पर अगर ये आएगी तो ये मेरे कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी ऑप्शन ज़रूर रहेगी। आप चाहो सेफेस्ट स्मृति मंदाना को दे सकते हो, वर्मा को दे सकते हो, दीप्ति का एक अच्छा ऑप्शन है, अट्टापट्टू का एक अच्छा ऑप्शन है, अगर आप देख सकते हो तो मैंने यहाँ पर कुछ थोड़े से रिस्क भी लिए, अगर आप चाहो तो खुद की टीम्स बना सकते हो। सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है वीडियो में, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, पसंद आई होगी आपने अभी तक एक लाइक कर ही दिया होगा, नहीं किया तो अभी कर दीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर दिस मैच, हैव अ नाइस डे, आ फाइनल टीम विल बी ऑन टेलीग्राम चैनल बिफोर 5 और 10 मिनट्स पहले डेडलाइन के।